बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 230 वर्ष बाद ही मौर्य शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थल को चिन्हित करने के लिए यहाँ स्तंभ लगवाए। उन्होंने स्तंभ पर लिखवा दिया कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष हो चुकने पर देवानंपी प्रियदर्शी राजा द्वारा यहाँ स्वयं आकर पूजन किया गया, क्योंकि वहाँ पर शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरे लाइन में लिखवाते हैं कि यहाँ पर पत्थर की बहुत बड़ी दीवार बनवाई गई और शिला स्तंभ भी खड़ा करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। आप सम्राट अशोक के रुमिंदेई अभिलेख में भगवान शब्द को देख सकते हैं। इस स्तंभ पर शाक्यमुनि और भगवान दोनों शब्द का उल्लेख है। इससे एक फायदा यह है कि कोई भविष्य में लुम्बिनी में जन्मे इन भगवान को किसी और व्यक्ति से जोड़कर अपना टैग नहीं लगा पाएगा और यह चिरस्थायी रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।